अरविंद केजरीवाल को जो है पुलिस सुरक्षा में तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे आसपास के रास्ते को जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और पूरे ट्रैफिक की जो अरेंजमेंट है वो पहले से ही की हुई है कि गाड़ी को कहीं पे भी रुकना ना पड़े और कहीं भीड़ भाड़ गाड़ी की वजह से या ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक में फंसना ना पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये देखेंगे पूरे ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल वैन से होकर निकलेंगे, पुलिस की जो पूरा एक काफिला है, आगे 3 गाड़ियां हैं, पीछे पीछे और जो गाड़ी चल रही है इसके तहत ही, ये देखिए अब ये हम बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ पहुंचे हैं और यहां से अब लेकर जाया जाएगा सीधा तिहाड़ जेल के लिए। और पूरा रास्ता जो है इसी तरीके के सेफ पैसेज जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो जेल वैन है उनको मुहैया करवा रही है ताकि कहीं पर भी गाड़ी को रुकना ना पड़े। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि उस जेल वैन के अंदर एक आम कैदी की तरह बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी जो हैं वो जेल वैन के अंदर ही मौजूद है। ऑर्डर कॉपी मिलने का इंतजार किया जा रहा था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को काफी देर जो है वो लॉकअप में ही वेट करना पड़ा था राउज एवेन्यू कोर्ट की। और जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिली है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी में कई सारे ऐसे आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं जिसकी मांग अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में की थी, वो सारी चीजें ऑर्डर कॉपी तिहाड़ जेल प्रशासन को दे दी जाएंगी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बाकायदा जेल नंबर 2 को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया था। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे, इससे पहले संजय सिंह उस जेल में रह रहे थे जिन्हें कुछ दिन पहले जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का राइड, अगर आप कहेंगे रूट और जो रास्ता है बिल्कुल खाली दिया जा रहा है जेल वैन को, तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं तिहाड़ जेल पहुंचने में। और उससे पहले पूरे रास्ते में जो तिहाड़ जेल है वो हरिनगर इलाके में पड़ती है, वहाँ पर रास्ता जो है ऐसे ही रोक दिया गया है, किसी भी गाड़ी को जो है जेल वैन या फिर जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनके बीच में नहीं आने दिया जा रहा। तो आप देख सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री को अब जेल वैन एक आम कैदी की तरह किस तरीके से पूरी दिल्ली की सड़कों पर लेकर जो है पुलिस जा रही है, और लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन करके जो मुख्यमंत्री बने थे, बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप दिखाते हैं जो मुख्यमंत्री बने थे आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी 11-12 साल पुरानी बात है, 2011-12 में एक बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पर किया, और भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली की तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार पर, शीला दीक्षित सरकार के मंत्रियों पर यह आरोप लगाए कि ये लोग करप्ट हैं और ये लोग जेल में जाएंगे। शीला दीक्षित का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के मामले में ही तिहाड़ जेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहना है कि उनको झूठा फंसा दिया गया है, उनको गलत फंसा दिया गया है, लेकिन यह हकीकत है कि इस वक्त जो हो रहा है वो अदालत के आदेश पर हो रहा है। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और ये 14 दिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में काटने पड़ेंगे। अब जरा मुझे ये बताइए प्रमोद, कि आप ये भी बता रहे थे कि जेल नंबर 2 में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को रखा जाए, ये जेल नंबर 2 कुछ विशेष है क्या? अधिकतर जो पॉलिटिकल मामले हों या वीवीआईपीज हों जिनको जेल होती है उनको इसी में रखा जाता है, जेल नंबर 2 में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पहले संजय सिंह को जेल नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन हर बार जो है सिक्योरिटी रिव्यू वो तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और उसके बाद लगता है कि जेल नंबर 2 एक साफ सुथरी जेल है और जो जहां पर जो है सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ है, तो ऐसे में वो जेल अगर जो एक मुख्यमंत्री को के लिए है तो उसे वहां पर फैसला किया जाता है। इससे पहले 5 नंबर जेल को माना जा रहा था कि संजय सिंह की जगह अरविंद केजरीवाल को वहां रखा जाएगा, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, तिहाड़ जेल की अलग अलग जेलों के अंदर बंद है, कुल 16 जेल है तिहाड़ जेल के अंदर, और ऐसे में 2 जेल जो है वो महिला जेल भी होती है महिला कैदियों के लिए। तो जो जेल लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल सही है, उसकी सुरक्षा के लिए सही है, तो वो तिहाड़ जेल प्रशासन उसकी वहां पर उनको रखता है। पूरी जेल को सैनिटाइज करवाया गया, सीसीटीवी कैमरे जो खराब थे उन्हें ठीक करवाया गया ताकि 24 घंटे अरविंद केजरीवाल पर नजर रखी जा सके। किसी भी कैदी को जो हार्डकोर या गैंगस्टर तरीके के खतरनाक कैदी है उनकी जेलों से दूर रखा जाता है ताकि कहीं पे भी उनकी सुरक्षा के साथ कोई भी चूक ना हो पाए। अब अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा और कोर्ट के जो आदेश है और बाकी है। जो जेल मैनुअल है आप प्रमोद हमें हमारे साथ बने रहिए और जो काफिला है उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज
मौजूद हैं तिहाड़ जेल के बाहर और सीधे हम उन्हीं की तरफ रुक कर रहे हैं। राजू, लगभग कितनी देर के बाद ये काफिला वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि हम लगातार ये तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिसने करप्शन के नाम पर ही अपनी राजनीति शुरू की कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए आए हैं, जनता हमारा साथ दे, जनता ने भरपूर साथ दिया, लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है कि उसी व्यक्ति को तिहाड़ जेल जाना पड़ रहा है, वो भी करप्शन के एक चार्ज में। बिल्कुल राम, सही कहा आपने। बता दूं कि जब अन्ना आंदोलन राजधानी दिल्ली में हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को उस समय बंद किया गया था, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो राजनीति में एक बड़ा चेहरा उभर के आए और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि करप्शन के खिलाफ वो हैं और आज उन पर करप्शन का आरोप लगा है और एक बार फिर वो तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं। और ये वक्त लगेगा, लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया जाएगा। और तिहाड़ जेल की क्या अभी वस्तु स्थिति है वो दिखाना चाहूँगा कि ये गेट नंबर 3 है और इसी गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए थे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, और जिसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति लगी दिख रही है। और यही वजह है कि जो अरविंद केजरीवाल का जो काफिला आएगा उसमें थोड़ी देरी उन्हें ज़रूर हो सकती है। इसके अलावा जो गेट नंबर 4 है वहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो गेट नंबर 3 या फिर गेट नंबर 4 से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया जाएगा और गेट नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, जो जेल मैनुअल के हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। जेल नंबर 2 और जेल नंबर 5 को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों को ठीक किया गया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी उन्हें 3 किताब दी जाए, रामायण, महाभारत और प्रधानमंत्री के कार्य करने के तरीके, 3 किताबों दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो दवाइयाँ हैं वो मुहैया कराई जाएगी। अब चूँकि अरविंद के तिहाड़ जेल में कई खूंखार कैदी हैं इसलिए आसपास के जो दूसरे कैदी थे उन्हें शिफ्ट किया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का कब यहां पर पहुंचते हैं, लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है और जिस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक को खाली किया गया, लेकिन तिहाड़ जेल के बाहर ट्रैफिक थोड़ी सी जाम जरूर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। ये तस्वीरें राजू राज के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको काफिले में लिए चलते हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए इस वक्त की लोकेशन क्या है और लगभग कितना समय और लगेगा एक अनुमानित? देखिए, इस वक्त हम रिज रोड पे मौजूद हैं और यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद ही धौला कुआ जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और जिस तरीके से पूरा रूट क्लियर किया हुआ है, पूरी जो पुलिस ने यहाँ पर गाड़ियाँ जो आगे चल रही है और ट्रैफिक पुलिस वालों को हर उस पॉइंट पे पहले ही खड़ा कर दिया है जहाँ से होकर ट्रैफिक आता है, तो आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही लगभग बिल्कुल ही रोक दी गई है। और ये जो जेल वैन है वो जा रही है आगे, चार गाड़ियां जो है वो आगे चल रही है, एक बाइक पे सवार पुलिसकर्मी है और पीछे एक गाड़ी चल रही है, यानी पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो दी गई है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे काफिले को हम देख रहे हैं और चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, आम आदमी ने सोचा होगा कि इस तरीके के रोड शो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में या दूसरी जगहों पे करेंगे, लेकिन किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा चुनाव से पहले इस तरीके का रोड शो भी देखने को मिलता है। पुलिस की जो सिक्योरिटी में अरविंद केजरीवाल एक जेल वैन में एक आम कैदी की तरह उनको तिहाड़ जेल लेके जाया जा रहा है, इसी बात के को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि उनको जानबूझ के टाइमिंग को लेकर आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब अरविंद केजरीवाल को अगले 14 दिनों के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक आम कैदी की तरह रखा जाएगा और आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर रहेगा, मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद होगा और सरकार जो है वो बाहर से चलेगी। अब ये सरकार कैसे चलेगी इसको लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसकी गारंटी वो दिल्ली वालों को देते हैं। अब ऐसे में क्या विकल्प होगा, क्या आगे होगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को 10 दिन की ईडी कस्टडी के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया
गया और 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की जो मांग ईडी ने रखी थी उसे ईडी ने मान लिया और 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में नहीं लगाई गई है। 3 किताबें उन्होंने पढ़ने के लिए मांगी थी, टेबल कुर्सी, एक अच्छी हाई डाइट जो मांगी थी बीमारी को देखते हुए, और जो उन्होंने मांग की थी दवाइयों की मांग की थी वो कोर्ट ने मांग ली है। और इस वक्त हम धौला कुआं पे पहुंच चुके हैं, यहां से अब तिहाड़ जेल की आप दोनों हमारे साथ रहिए, आप दोनों हमारे साथ रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त मिल रही है।